खालिस्तान जिंदाबाद। नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। कल दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके पीछे एक बड़ी साजिश थी, एक बड़ा प्लान था, एक बड़ी सोची समझी रणनीति थी, जिसके तहत दिल्ली को दहला दिया गया। कई मासूमों की खून से होली खेली गई, कई पुलिस वालों को जमकर मारा गया। आज एक ऐसी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसे देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को देखकर आपको लगने लगेगा कि देखिए तिरंगे को मिटाने के लिए, तिरंगे को झुकाने के लिए कहां से पूरा गेम खेला गया, पूरा षड्यंत्र रचा गया। जो लोग कहते हैं कि जो खालिस्तानी झंडा का लहराया गया था, जो फहराया गया था, वो आतंकी झंडा नहीं है, तो जरा इस वीडियो को देखिए साहब, इस वीडियो को देखिए, फिर आप हमसे बताइए कि क्या हो रहा है। ये पहले देखिए इस वीडियो को। आपने देखा इस वीडियो को, आपने देखा कैसे कुछ सरदार पीछे वही झंडे जो कल लहराए गए लाल किले पर, जो कल लहराए गए लाल किले पर, जो 125 करोड़ देशवासियों के सीने पर तांडव किया गया, वो वही झंडा आपको पीछे दिख रहा है। और देखिए ये क्या दिख रहा है नीचे, ये सरदार क्या कर रहे हैं, तिरंगे को कुचल रहे हैं, तिरंगे पर तांडव कर रहे हैं, तिरंगे को अपने पैरों के नीचे कुचल रहे हैं। इससे शर्मनाक कोई वीडियो हो ही नहीं सकती, इनसे बड़ा जघन्य अपराध कोई हो ही नहीं सकता। अब कोई पूछ रहा है, कोई विपक्षी पूछ रहा है, कोई वामपंथी पूछ रहा है कि ये जो किसान आंदोलन था इसमें किसी की साजिश नहीं है, खाली उन्हें बदनाम किया जा रहा है। तो आपको बता दें, बदनाम नहीं किया जा रहा, बल्कि आप लोगों को, इन्हीं लोगों से फंडिंग मिल रही थी। ये जो लोग बैठकर तिरंगे को कुचल रहे हैं, इन्हीं लोगों ने आपको पैसे दिए, इन्हीं लोगों ने आपको लाल किले पर भेजा, इन्हीं लोगों ने आपके हाथों से दिल्ली पुलिस के जवानों को मरवाया, पिटवाया, दिल्ली पुलिस की महिला पुलिस वालों को मरवाया, यही असली गुनहगार हैं। तस्वीरें तो बहुत कुछ बयां कर रही हैं, कल दिल्ली में जो कुछ हुआ तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, और बयां कर रही हैं राकेश टिकैत जैसे नेताओं की चाल, सोची समझी साजिश और देशद्रोही रणनीति। 2 महीने से किसान के नाम पर ये लोग दिल्ली में जमा थे, और इनकी प्लानिंग क्या थी, इनकी प्लानिंग थी जो कल हुआ, किसान बिल तो एक बहाना था, असली वजह तो कल सामने आई जब इन्होंने लाल किले पर खालिस्तानी झंडा लहरा दिया, हाथों में तलवारें लेकर, फरसे लेकर रोड पर तांडव करते रहे, दिल्ली की सड़कों को लहूलुहान कर दिया, दिल्ली को शर्मसार कर दिया, उस दिल्ली को जिस दिल्ली में कल राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा था। न राष्ट्रीय पर्व का इनको मान है, न तिरंगे का सम्मान है, न इन्हें अपने हिंदुस्तान पर अभिमान है। इन्होंने दिल्ली पुलिस के जवानों के खून से होली खेली, तिरंगे के साथ खेला, देश की मान सम्मान के साथ खेला, और उसके बाद ये कहते हैं कि हम किसान हैं। नहीं साहब, अब तो ये किसान नहीं है, अब ये किसान कहीं से नहीं है, बल्कि अब तो इनके ऊपर मोहर लग गई है, ठप्पा लग गया है कि ये खालिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं। इस वीडियो को दिखाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद था, इस वीडियो को जितनी बार देखा जाए उतनी बार ही दिल पर चोट लगती है, ठेस पहुंचती है। इस वीडियो को दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि देखिए इस वीडियो में तिरंगे के साथ इतना बड़ा अपमान कैसे हो सकता है, ये लोग कैसे हिंदुस्तानी अपने आप को कह सकते हैं, नहीं हिंदुस्तानी नहीं है, लेकिन हाँ हिंदुस्तानी के नाम पर कलंक जरूर है। ऐसे कलंकों को, ऐसे कीड़ों को, दीमकों को मारना बहुत जरूरी है। दिल्ली पुलिस से कल बहुत बड़ी भूल हो गई,
दिल्ली पुलिस के जवानों से कल बहुत बड़ी भूल हो गई, भूल हो गई और उस भूल का खामियाजा उनको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 300 पुलिस वाले घायल हुए हैं, हताहत हुए हैं। इनमें से कई पुलिस वालों के हाथ टूट गए, कई पुलिस वालों के पैर टूट गए, कई पुलिस वालों के सर फट गए, कई पुलिस वाले अधमरे हैं, जिंदगी और मौत के बीच वो जूझ रहे हैं। कई पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया गया, ट्रैक्टर चलाने वाला जेसीबी लेकर दिल्ली पुलिस पर चढ़ने कुचलने वाला कोई किसान नहीं हो सकता। इतनी गंदी मानसिकता किसी किसान की नहीं हो सकती। किसान तो इस देश का पालनहार होता है, किसान तो जीवन देता है, पेट भरता है, किसी की जान नहीं लेता। अगर ये लोग कल खून खराबा किए हैं तो आतंकी हैं, खालिस्तानी हैं, देश के दुश्मन हैं। और दिल्ली पुलिस से मेरा अनुरोध है कि आपको अपने जवानों का, अपने जवानों की शहादत का, अपने जवानों के घायल होने का बदला लेना चाहिए। जिन लोगों ने तिरंगे को हाथ लगाया है, आपका फर्ज बनता है कि आप उस हाथ को तोड़ दें, जवाब दें ऐसे खालिस्तानियों को। हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट गृहमंत्री को सौंप दी है, गृहमंत्री की लगातार उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। जो लोग इसमें आरोपी हैं उनको उठाया जा रहा है, उनके नाम पर केस दर्ज किया जा रहा है, FIR दर्ज हो चुकी है। कोई बचेगा नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई नहीं बचेगा। जो भी इसके गुनहगार हैं वो बचेंगे तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय दें, इस वीडियो को शेयर करें। और जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है, दरअसल यही लोग थे जिन्होंने उस किसान आंदोलन में, खालिस्तानी आंदोलन में पैसे की फंडिंग की। पैसा कहाँ कहाँ से आया ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ पैसा आया बहुत है। इतना पैसा आया कि उस पैसे की गर्मी से नए नए ट्रैक्टर खरीद लिए गए, नए नए JCB खरीद ली गई, BVIP 5-star ट्रीटमेंट किया गया, अच्छे उच्च स्तरीय टेंट लाए गए, टेंटों में मसाज पार्लर खोला गया, ब्लोअर चलाया गया। मतलब पैसे तो अंधाधुंध बरसे हैं, और ये पैसे कोई गरीब किसान नहीं बरसा सकता। इस पे बरसाने वाले कोई बड़े उच्च स्तरीय लोग हैं। मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। UPSC के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें TV पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। UPSC के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।